ये रहा देखो, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है ना, पीछे लो ना थोड़ा सा, और सेफ्टी से है ना, बस देख रहा है। सर फाइनली निकल गया मैं देवप्रयाग से केदारनाथ के लिए, और देखते हैं आगे क्या होगा, अभी तक पता नहीं है कुछ भी। और है शाम हो गई, तो चलते हैं फिलहाल आगे की तरफ। और काफ़ी मुश्किल था यार ऊपर चढ़ना, मतलब नीचे तो यार आराम से चलो ठीक है उतर गया था, लेकिन ऊपर चढ़ने में भाई हालत ख़राब हो गई सीरियसली, क्योंकि यार इतना वजन लेकर के ऊपर चढ़ना यार थोड़ा मुश्किल है। और अभी तो देखो केदारनाथ के अंदर 18 किलोमीटर की चढ़ाई कैसे होती है, वो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना चलते हैं यार अभी, लेकिन यहाँ के व्यूज़ देखो यार आप कितने शानदार है। अब थोड़ी क्या शाम हो गई तो धूप भी थोड़ी कम हो गई, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। और लिफ्ट वगैरह ले लूँगा यार, क्योंकि इतना बैग लेकर के चलने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है। सर अभी यहाँ पे आ गया मैं, गाड़ी में लिफ्ट मिल गई थी मेरे को। भैया कौन सी जगह ये? हाँ कौन सी? कुंभप्रयाग कीर्ति नगर। तो अभी फिलहाल मैं कीर्ति नगर है कोई वहाँ पे हूँ, और यार यहाँ से सनसेट देखो कितना शानदार लग रहा है। और यहाँ से नदी बह रही है। Blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so free. यार भैया ने मेरे को यहाँ तक छोटे कौन सी जगह दी है, मेन मार्केट है, तो यहाँ से देखते हैं आगे का होगा नहीं होगा कैसे होगा, तो चलते हैं फिलहाल आगे की तरफ, क्योंकि अभी शाम होने वाली है, रुकने व्यवस्था भी देखनी है, खाने की भी देखनी है। बाकी आज पहुँच गए कितने किलोमीटर? 40। तो इन्होंने मेरे को 40 किलोमीटर की लिफ्ट दी थी, वो भी यहाँ पे यार। तो यार शाम के 6:30 बज गए और अभी मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ का व्यू देखो कितना शानदार है। और अभी भी यहाँ से पता है 105 किलोमीटर कुछ दूर है केदारनाथ, और यहाँ आसपास में कोई डैम बता रहे हैं, तो वहाँ देखता हूँ आज रात को रहने की व्यवस्था हो जाए, और खाने पीने की भी देखूँगा। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, ठंडी हवाएं चल रही है, बिल्कुल ठंडा माहौल है, और माहौल तो आप देख ही रहे हैं। श्रीनगर जो मेन सिटी थी उसको मैंने क्रॉस कर लिया, और अभी थोड़ा आगे आ गया, काफ़ी अच्छा व्यू है, लेकिन यहाँ का वास्तव में बिल्कुल ठंडी हवाएं। मेरे को नैनो के अंदर लिफ्ट मिली थी, और ये गाड़ी ख़राब हो गई, इसका जो इंजन का जो फैन था ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और यहाँ पे यार ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बाघ वगैरह आ जाता है नॉर्मली, मतलब जैसे ही जैसे अंधेरा होने वाला है, तो फिर नॉर्मल सड़कों पर मतलब जैसे इंसानों के जैसे बाघ घूमेंगे यहाँ पे, और जंगल में तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, तो देखते हैं आज कुछ होने वाला है। चलो देखते हैं यार क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सच बता रहे हैं कि यहाँ बाघ वगैरह घूमते रहते हैं, और बहुत मतलब यहाँ पे 4-5 बाघ और है ना, चीता वगैरह जो यहीं पे है आसपास में, तो घूमते रहते हैं जैसे अंधेरा हो जाता है। रात के 7:30 बज गए और अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिल रही, और यार वास्ते में रिस्की भी है, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है नहीं कि जहाँ मैं अपना टेंट वेंट लगा सकूँ, वैसे खाली जगह तो बहुत है लेकिन सिक्योर सेफ नहीं है बिल्कुल, और खाने के लिए ढाबे वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है यार, आज मैं फंस गया। तो देखते हैं, वेट कर रहा हूँ फिलहाल अभी, और यदि लिफ्ट मिल जाती है तो ठीक है। और यहाँ सब ज़्यादा रिस्की, हर कोई मतलब ये बोल रहा है, बोले बाघ है यहाँ मत रुकना आसपास में बिल्कुल भी, और कोई होटल वगैरह भी नहीं है तो ना कोई धर्मशाला है। अभी मेरे को फिलहाल लिफ्ट मिली है लास्ट की यहाँ से, और ये भैया मेरे को छोड़ देंगे आगे तक, और ये जा रहे हैं केदारनाथ के आस पास की जगह है, वहाँ जा रहे हैं। कोई बात भैया, मतलब केदारनाथ कहाँ तक छोड़ देंगे मेरे को? फाटा, हम लोग फाटा स्टे करेंगे आपको वहाँ तक, फाटा तक छोड़ देंगे, फिर वहाँ से केदारनाथ कितना दूर होगा? वहाँ से तो फिर आपको देखिए
फाटा से अराउंड आपको 6 or 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा, देन उसके बाद में फिर आपको ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, फिर आज के लिफ्ट मिल गई मेरे को, थैंक यू भैया। तो यार ये रास्ता जाता है केदारनाथ के लिए और ये रास्ता जाता है बद्रीनाथ के लिए, लेकिन केदारनाथ के लिए भी ये है कि जो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन भाई पुलिस वाले जाने ही नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, विदाउट रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। देख लो ना थोड़ा सा, चालू है बच्चे है ना ये, वो बड़ा वाला नहीं है लेकिन, है ना, मिरर ध्यान रखना, मिरर का बंद रख देना इसमें। इसको बंद होने में टाइम लगेगा, अदरवाइज वो घुस गया तो बस देख रहा है। गाड़ी की कोई बात नहीं है, पूरे पूरा 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 बच्चा लग रहा है ना ये, नहीं बच्चा नहीं है, बच्चे भी बच्चे, ये रहा ये रहा ये रहा, क्या नहीं वो बच्चे बच्चे भी है, तुमने ये काज बंद कर लो, एकदम झपट्टा मार देगा के भैया, भाई बंद कर लो यार, ये बहुत चालाक रहता है, कहाँ से आएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ क्या पता इसका दूसरा भैया है। ओए धीरज तेरी तरफ का देख ले एक बार, बंदे मैं तो कब से बंद करके रखा हूँ भाई, काज तो लाइट बंद करो, तुम्हारी लाइट बंद करो एक मिनट, सकले बैठा अभी भी सर, बैग मेरा पूरा भीग गया है यहाँ पे, और अभी कैंपिंग के लिए मतलब गैस चूल्हा वगैरह इन भैया ने सब कुछ ले रखा था, तो यहीं से जा रहे हैं अभी, और कैंप वगैरह भी यहीं पे लगा देंगे, आगे पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है 10 से 11 किलोमीटर तक का, तो आगे कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ अभी खाना वाना बनाएंगे यहीं पे, और यहीं पे कैंप वगैरह लगा कर स्टे करेंगे रात को कैसे भी। यहाँ का नाइट व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू, यहाँ से नदी बह रही है कोई ना कोई, वो मुझे पता नहीं एक्चुअली, और यहाँ से पुल जा रहा है पूरा, तो चलते हैं फिलहाल, अभी खाना वाना बनाएंगे। तो रात के भी 12:30 बज गए और भैया बना रहे, भैया क्या बना रहे हो, मैगी, तो अभी रात को 12:30 मैगी बना रहे हैं, और हमने टेंट वेंट लगाया था यहाँ पे, तो भैया और का टेंट लगा दिया, और इनके साथ मेरा एक धोखा हो गया, इन्होंने 3% का टेंट लेना था और छोटा दे दिया, मतलब कि मेरे पास भी यही था पहले, और लेकिन यहाँ का व्यू देखो, मतलब दिखेगा नहीं, चलो आपको मंडी में दिखाते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं टेस्ट करके। तो अभी भैया ने मैगी वगैरह तैयार कर ली, और अभी मैगी वगैरह खा कर बस सोएंगे, टेंट वगैरह भी तैयार हो गए, मैंने अपना लगाया और अभी एक और टेंट लगाना बाकी है, तो मिलते हैं फिलहाल कल। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मैं ये व्यू है ना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ का,